हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजु यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्त, हमारे चैनल पर कंप्लीट जीके और जीएस के प्रश्नों का तैयारी करवाया जाता है। आप ऑल इंडिया एग्जाम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, जहाँ पर जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पे तैयारी बेहतर ढंग से करवाया जाता है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और वर्तमान समय में मिनी मैराथन के रूप में क्लास 1, 2, 3, 4 के माध्यम से, जिसमें कंप्लीट जनरल साइंस को देखा जाएगा, जिसमें से क्लास 1 चला गया है, आज क्लास 2 को देखेंगे। और जो ये मिनी मैराथन तैयार किया गया है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित है, तथा ये मेन फोकस इसका बीपीएससी TRE 3 और 4 तथा सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, इन सभी परीक्षाओं को टारगेट करके बनाया जा रहा है। यदि दोस्त आप मेरे चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं में जीके जीएस के प्रश्न पूछा ही जाता है, तो आप मेरे चैनल लर्न विथ इंडिया 2024 से जुड़े और अपने तैयारी को बेहतर धार दें और पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आप लोगों का सपोर्ट करूंगी। आज के समय में एक वीडियो जा रहा है, यदि आप सपोर्ट किए तो आप लोगों की तैयारी के लिए मुझे जितना भी मेहनत करना पड़ा उतना मेहनत करूंगी। पहले तो प्यार और दुलार बरसाइए हमारे पे। यदि दोस्त मैं जो पढ़ा रही हूँ उसका PDF प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम चैनल को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और लॉगिन करें। उसके बाद लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल से जुड़ करके डेली बेस पे PDF प्राप्त करें और अपने पढ़ाई को मजबूत धार दें। दोस्त, आज हम लोग क्लास 2 को देखेंगे। बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। क्लास 1 में 25 प्रश्नों को देखे थे। ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। चलते हैं। प्रश्न पहला है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली गैस का क्या नाम है? अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटिलीन, एथिलीन। तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से, कृत्रिम का मतलब जल्दी पकाने के लिए, अपने हिसाब से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। जो एथिलीन नाम का एक केमिकल होता है उसी का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। जैसे आम हुआ, इसको पकाया जाता है, और अन्य फल हैं उन फलों को। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही से संबंधित है? चीनी, अमेरिकी, भारतीय, काले अफ्रीकी, चीता, शेर, बिल्ली, कबूतर, पेडुकी, तीतर, छिपकली, मगरमच्छ, सांप। तो निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चीता, शेर, बिल्ली, ये एक ही समूह के जीव हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण न्यूक्लियस में होता है, माइटोकांड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, पराऑक्सीसोम में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का काम क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? एमिनो अम्ल उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन ले जाना, एंजाइम उपलब्ध कराना, उत्सर्जन में सहायक। तो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन शरीर में पहुंचाना होता है, इसका मेन कार्य। प्रश्न नंबर 5 है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है? माना मादा एनाफिलीज, सीसी मक्खी, बालू मक्खी, नर मच्छर। तो मलेरिया रोग के परजीवी मादा एनाफिलीज हैं, आपका नंबर ए होता है इसका आंसर। प्रश्न नंबर 6 है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? किलो हर्ट्ज है, किलो हर्ट्ज प्रति सेकंड है, हर्ट्ज प्रति सेकंड है, या हर्ट्ज है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज प्रति सेकंड है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, किसी एक व्यक्ति के रक्त का pH मान स्तर क्या होता है? 4.5 से 4.6, 6.45 से 6.55, 7.35 से 7.45, 8.25 से 8.35। तो किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान का स्तर 7.35 से 7.45 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है? जो डबल रोटी या ब्रेड होता है उसको स्पंजी या फुलापन जो होता है उसमें किस कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या अमोनिया के कारण? तो डबल रोटी में फुलाव जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है? जो हम लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हम लोग करते हैं। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, साल्ट
साइट्रिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्टरिक अम्ल के कारण, नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटेशियम। तो रासायनिक उर्वरक सोडियम सल्फेट नहीं है, और ये सब यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम, ये सब रासायनिक उर्वरक हैं। प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जो प्लास्टिक होता है उससे गैस, कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉली नाइट्रोजन, पॉली हाइड्रोजन, पॉली क्लोरीन, पॉलीथिलीन। तो प्लास्टिक से पॉलीथिलीन गैस उत्पन्न होती है। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग होता है? आम, पपीता, आंवला, बेर। तो जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है, तो उसकी पूर्ति के लिए आंवला का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता से, वेग से। तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। प्रश्न नंबर 14 है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल का ठंडा होता है? द्रवण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, उत्सर्जन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी के घड़े में जल का ठंडा होना, इसका मेन कारण वाष्पीकरण होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 15 है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था, मापा था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने, आइंस्टीन ने। तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? ताबा, जस्ता का ताबा, टिन, जस्ता का ताबा और टिन का, लोहा और जस्ता का। तो जो कांसा होता है ताबा और टिन को मिलकर बनता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 15 नंबर 17 प्रश्न नंबर 17 है, लेंस किससे बनता है? पायरेक्स कांच से, फ्लिट कांच से, साधारण कांच से, कोबाल्ट कांच से, कांच से। तो लेंस पायरेक्स कांच से बनता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, वाहनों की हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तर दर्पण, परवलय दर्पण। तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 19 है, जीवाणीय रोग किसमें पाए जाते हैं? पौधों में, पशुओं में, मानवों में, इन सभी में। तो जो जीवाणुवीय रोग होते हैं पौधे में भी पाए जाते हैं, पशुओं में भी पाए जाते हैं और मानव में भी पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो, डी सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 20 है, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में पिता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है, माता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है, माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है, माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या एक समान होती है? तो किसी शिशु के वंशागत जीनों में कुल संख्या में माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या के समान होती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, बोरलांग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? पशुपालन, कृषि, विनिर्माण, साहित्य। तो बोरलांग पुरस्कार कृषि में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 22 है, दूध किसका एक उदाहरण है? विलयन का, कोलाइड का, इमल्सन का, वायुविलय का। तो दूध इमल्सन का उदाहरण है, इमल्सन। प्रश्न नंबर 23 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, थायमिनोल, टार्टरिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्त, जो विटामिन के रासायनिक नाम है यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे सभी परीक्षाओं में लगभग प्रश्न बनते हैं। इसका एक वीडियो में मैं कवर करवाऊंगी, शॉर्ट वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और दोस्त सपोर्ट करें, ताकि मैं भी और मोटिवेट होकर और अच्छा अच्छा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूं, ताकि आप लोगों का एक सुधार हो सके पढ़ाई लिखाई में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, अजेलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सिरके में एसिटिक अम्ल उपलब्ध होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन नहीं है जो मेन फंसाव प्रश्न होता है, नहीं वाला होता है, नहीं को नहीं ध्यान देंगे और ऑप्शन गलत हो जाता है, प्रश्न गलत हो जाता है। तो नहीं होता है तो हीरा में भी होता है कार्बन, ग्रेफाइट में भी होता है, कोयला में भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्त मैं बता दूं, कंटेंट को ध्यान से तैयार करती हूँ, यदि मैं भी एक इंसान हूँ इसमें कुछ त्रुटि या कमी रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव देने का कष्ट करें, और इसके साथ साथ आप मेरे सेशन को कम से कम एक लोग दो
मित्रों में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और इसके साथ साथ आप जब भी वीडियो देखें तो पूरा देखें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो कोई बात नहीं और काम कर दीजिए। अच्छा दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।